अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिव्यू देंगे BYD बियॉन्ड योर ड्रीम्स S6, और ये मेड इन चाइना है। देखते हैं ये SUV हमारे लिए क्या क्या लाई है। है पुरानी गाड़ी, लेकिन चलो अभी रिव्यू दे देते हैं। इसका इंजन है 2.4 CC, 4 गियर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसका व्हील साइज 17 इंच है और व्हील 5 फुट। ये पीछे का टायर है जिसमें डिस्क ब्रेक है, और इसका फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड पर है। ये देखिए फ्रंट से ये ऐसी दिखती है, और इसके आगे के टायर में भी डिस्क ब्रेक है और ABS है। ओवरऑल ड्राइव बहुत अच्छी है, मोर देन आई एक्सपेक्टेड। लास्ट टाइम मैं ड्राइव की थी, मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन कंपेयरिंग दैट दिस इज क्वाइट मच स्मूथ। अच्छे से चलती है, फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी है, स्पेशियस है। और डैशबोर्ड बता दो उन लोगों ने कैसा बना रखा है। ऑटोमेटिक गियर है, यहाँ पर रिवर्स की स्क्रीन भी है, ये देखो, और कैमरा भी लगा हुआ है, रिवर्स सेंसर्स भी है। यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में ब्लूटूथ भी है, और काफ़ी कंट्रोल्स दिए रखे हैं। क्रूज कंट्रोल भी है यहाँ पर, और जिनका ऑडोमीटर है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बड़ा है दिखने में, तो काफ़ी डिटेल्स है। यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर दिखाता है, और माइलेज बताता है, पेट्रोल बताता है, फेयर इनफ। और ऑटोमेटिक AC है इसके अंदर। फ्रंट पैसेंजर ए है, काफ़ी स्पेशियस है। फिलहाल हम लोगों ने छोटी बच्ची का सामान रखा है। पीछे भी लेग रूम काफ़ी अच्छा है, बैठने की जगह भी बहुत खुली है। उन लोगों ने आर्म रेस्ट सेंटर में नहीं दिया है, ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड आर्म रेस्ट रखा हुआ है, ताकि कोई उसके साथ शेयर नहीं करे, ड्राइवर अपना आर्म रेस्ट लेके आराम से गाड़ी चले। इन दिनों ना सबसे मेन चीज़ है वो है AC। अगर AC ठंडा करता है तो सब ठीक है, बाकी गाड़ी चले नहीं चले कहीं तो पहुँच जाएंगे, थोड़ा लेट पहुँचेंगे। काफ़ी स्पेशियस ट्रंक है, अगर आप इस जगह को ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सामान आ सकता है। कीलेस एंट्री है, कीलेस स्टार्ट है, 2014 मॉडल है, लेकिन इसके अंदर फीचर काफ़ी अच्छे हैं एक नॉर्मल यूजर के लिए। ये तो लोगों में भी लाइट है भाई, हेडलाइट भी अच्छी है, और इसमें DRL लेट एंड रेल लाइट भी है। इसमें सनरूफ भी है, इसका 0 to 100 अराउंड 8-9 सेकंड्स में है कुछ, और इंजन जैसा बताया 2.4 है, और इसका माइलेज है अराउंड 8 लीटर पर 100 किलोमीटर। हर एक गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। आपको देखना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपका बजट कितना है, आपको वो हिसाब से फैसला करना चाहिए। मुझे बताना इसका रिव्यू कैसा था, और आप इसके बारे में और या दूसरी गाड़ी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।